हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारी किडनी का बेसिक यूनिट है। सो किडनी का फंक्शन क्या है? यूरिन को प्रोड्यूस करना। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड को फिल्टर करके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से यानी हमारी किडनी से बाहर निकाल देती है। सो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में निकलता है? यूरिन की फॉर्म में। सो किडनी का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है, किडनी का बेसिक यूनिट है। सो नेफ्रॉन के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है एंड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड से वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो हर एक किडनी में, किडनी कंटेन्स अबाउट 1 to 2 million फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। सो हमारी बॉडी में कितनी किडनीज होती है? पेयर में यानी 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। सो हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 1 to 2 million नेफ्रॉन एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। और क्या प्रेजेंट होती हैं? कलेक्टिंग डक्ट्स। सो कलेक्टिंग डक्ट का नंबर नेफ्रॉन से कम होता है क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में आकर मिलते हैं या ज्वाइन होते हैं। सो ये है एक नेफ्रॉन। इसकी जो लेंथ होती है नेफ्रॉन की वो कितनी होती है? 35 to 55 millimeter। सो एक नेफ्रॉन की लेंथ वेरी करती है कितने में से? 35 to 55 millimeter वेरी करती है। अब नेफ्रॉन के 2 parts होते हैं, एक होता है रीनल कॉर्पसल और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रीनल कॉर्पसल क्या है। रीनल कॉर्पसल में क्या आता है? ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। सो सबसे पहले ये है ग्लोमेरुलस, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट। सो हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसके 2 end होते हैं। जो एक एंड होता है वो क्लोज एंड होता है, ये जो स्टार्टिंग वाला है, और जो दूसरा एंड है वो किस में जाकर मिलता है? कलेक्टिंग डक्ट में। सो जो स्टार्टिंग का एंड है, फर्स्ट एंड मतलब फर्स्ट पोर्शन जो है नेफ्रॉन का, उसमें सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस क्या है? एक नेटवर्क है किसका? टाइनी कैपिलरीज का। सो ये कैपिलरीज का नेटवर्क या फिर टफ्ट या फिर बंच क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। सो हमारे जो नेफ्रॉन है या फिर किडनीज है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के थ्रू जो आर्टीरियल सप्लाई है, मींस जो ब्लड आर्टीरियल ब्लड है वो रीनल आर्टरी के थ्रू नेफ्रॉन में एंटर होता है। रीनल आर्टरी देन फर्दर ब्रांच हो जाती है। सो जो आर्टरी नेफ्रॉन में ब्लड लेकर आती है उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। सो एफेरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर आती है नेफ्रॉन में। सो ये जो एफेरेंट आर्टरियोल है ये एक नेटवर्क या बंच बनाती है जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस से जो आर्टरी ब्लड लेकर निकलती है, सो जो आर्टरी ब्लड लेकर निकल रही है बाहर उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। सो आप कैसे याद रख सकते हैं? एफेरेंट, ए पहले आता है, सो एफेरेंट आर्टरियोल ब्लड लेकर आती है, और ई बाद में आता है तो एफेरेंट आर्टरियोल ब्लड लेकर जाती है। अब ये हो गया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलर कैप्सूल क्या है या बोमेंस कैप्सूल जिसको कहते हैं? अब ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ये एक कप शेप पार्ट है नेफ्रॉन का। फर्स्ट पार्ट कप शेप, कप जैसे इसकी शेप है, इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर कैप्सूल या फिर बोमेंस कैप्सूल। नेफ्रॉन इज क्लोज्ड एट वन एंड टू फॉर्म एन एक्सपेंडेड कप शेप स्ट्रक्चर विच एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। सो फर्स्ट एंड पे नेफ्रॉन क्लोज है और इस एंड पे ये कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोमेंस कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहते हैं। इस कैप्सूल का क्या काम है या फिर इस कप शेप स्ट्रक्चर का क्या काम है कि इसने ग्लोमेरुलस को एनक्लोज किया हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे एक कप में मैगी के नूडल्स पड़े हों। सो उस तरह से ये ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल दोनों क्या कहलाती हैं? रीनल कॉर्पसल। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? रीनल कॉर्पसल। अब हम बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स की। अब जो बचा हुआ पार्ट है ये नेफ्रॉन का ये क्या कहलाता है? रीनल ट्यूब्यूल्स। सो सबसे पहले आती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सो ट्यूब्यूल का क्या मतलब है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सो सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब जो सबसे पास में है। सो ग्लोमेरुलर कैप्सूल के सबसे पास में क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोलेटेड का क्या मतलब है? फोल्ड्स। देन ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एक लूप में नीचे असेंड होता है। इस लूप को क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले या फिर मेडुलरी लूप। मेडुलरी लूप क्योंकि ये मेडुला में आ रहा है ये ब्लड स्ट्रक्चर। सो लूप ऑफ हेनले के 2 होते हैं, डिसेंडिंग जो नीचे जा रहा है, असेंडिंग जो ऊपर जा रहा है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन लूप ऑफ हेनले फर्दर किस में जाता है?
डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। लूपो फैमिली क्या बन जाता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का क्या मतलब है, डिस्टल यानी बोमन कैप्सूल से दूर। सो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यानी फोल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देन डी से टी यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो सबसे डिस्टल पार्ट है नेफ्रोन का, वो किस में जाकर मिलता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, यूरिन को कलेक्ट करती है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है नेफ्रोन का। अब रीनल कॉर्पसल आपको क्लियर हो गया, रीनल ट्यूब्यूल आपको क्लियर हो गया। ये जो हाफ पार्ट है जिसमें क्या आ रहा है, बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये किस में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में। सो किडनी का आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है ये वाला रीजन नेफ्रोन का, ये वाला पार्ट। एंड जो बचा हुआ नीचे वाला पार्ट है जिसमें लूपो फैनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स आ रहे हैं ज़्यादा, इसको बोलते, ये कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में। सो किडनी का इनर पोर्शन क्या है, मेडुला। सो ये प्रेजेंट है मेडुला में। सो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है मेडुला में प्रेजेंट है। सो कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट करती है, क्योंकि ब्लड यहाँ पर फिल्टर हो गया। सो फिल्टर होके जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी यूरिन, वो कलेक्टिंग डक्ट ने कलेक्ट किया। देन यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्ट करके जो कलेक्टिंग डक्ट है वो किस में मर्ज हो जाती है, इनर जो मेडुला है किडनी का उसमें मर्ज हो जाती है, यानी माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स और देन रीनल पेल्विस। देन रीनल पेल्विस से यूरेटर में ये यूरिन चला जाता है, देन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर और देन यूरेथ्रा एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। सो ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं किडनी में, उसमें मैंने किडनी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने देखा रीनल आर्टरी जो ब्लड सप्लाई लेकर आई है नेफ्रोन के पास, ये रीनल आर्टरी एफरेंट आर्टरियोल में फर्स्ट डिवाइड हुई है। एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेकर आया है जो क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। देन ग्लोमेरुलस से कौन सी आर्टरी निकल रही है, इफरेंट आर्टरियोल, जो कि ब्लड को लेकर जा रही है वापस, जो कि फिल्टर ब्लड है। सो इफरेंट आर्टरियोल फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होता था, ये बहुत सारी कैपिलरीज आप देख रहे हैं रेड कलर की, इनको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इसलिए कहलाती है क्योंकि ये क्या है, ट्यूब्यूल नेफ्रोन के। सो ये ट्यूब्यूल्स को सराउंड किए हुए हैं, ट्यूब्यूल्स के आसपास है, इसलिए इनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोला गया है। ये जो आर्टीरियल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ये देन किस में मर्ज होती है, वेन्स में। सो वेन्स में ये मर्ज होके वेन्योल्स में पहले देन वेन्स में। सो ये वेन्स जो वेन है ये रीनल वेन में मर्ज हो जाती है। सो रीनल वेन में मर्ज होके देन रीनल वेन कहाँ मर्ज हो जाती है, इन्फीरियर वेना केवा में। सो ये रीनल वेन कौन सा ब्लड लेकर जा रही है, प्योर ब्लड। अब ये था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन्स के टू टाइप्स होते हैं, शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ये एक शॉर्ट इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि इनका लूपो फैलने शॉर्ट होता है। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है इनका लूपो फैलने लॉन्ग होता है। सो ये दो तरह के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं ये 80% नंबर में प्रेजेंट होते हैं किडनीज में, एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन 20% नंबर में प्रेजेंट होते हैं किडनीज में। सो किडनीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं, किडनी का फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, यूरिन की फॉर्मेशन करना। यूरिन की फॉर्मेशन कैसी होती है, ब्लड को फिल्टर करके। सो किडनीज क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड से वो बाहर निकाल देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, पीएच को मेंटेन करना, बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। सो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनीज का वो क्या, ब्लड को फिल्टर करना एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म होता है। अबाउट 1300 ml ऑफ ब्लड एंटर्स द किडनीज। सो 1300 ml ब्लड किडनी में एंटर होता है दोनों किडनीज में एवरी मिनट। सो एवरी मिनट दोनों किडनी में 1300 ml ऑफ ब्लड एंटर होता है, जो कि कितना है, 20% ऑफ कार्डिक आउटपुट। 20% ऑफ कार्डिक आउटपुट यानी हार्ट से जितना भी ब्लड निकलता है उसका 20% है 1300 ml। सो नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट कितना होता है, 1 to 1.5 liter पर डे। सो 1300 ml हर मिनट एंटर होता है दोनों किडनीज में ब्लड, और ये ब्लड फिल्टर होता है। और यूरिन कितना बनता है पर डे, सो ये ब्लड का फिल्टर होके यूरिन बनता है, जो कि पर डे कितना बनता है, 1 to 1.5 liter। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, 3 steps हैं। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन।
सो फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये कहाँ पे होता है? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस क्या है? जो रीनल आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस हुई है. सो एफरेंट आर्टरियोल ब्लड आर्टेरियल ब्लड लेकर आती है नेफ्रॉन में और ये ब्रांचेस बनाती है, बहुत सारा नेटवर्क बनाती है जिसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस. सो ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो कि फर्स्ट पोर्शन है नेफ्रॉन का, इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सो ब्लड यहाँ पर, जो ब्लड में प्लाज्मा है वो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में. अब ये जो फिल्ट्रेट एंटर हुआ है ग्लोमेरुलस में, यानी जिसमें क्या है, वेस्ट मटेरियल है, सो ये जो फिल्ट्रेट है ये फर्दर टिब्यूल्स में पास हो जाता है. फिल्ट्रेट टिब्यूल में पास होता है एंड जो क्लीन ब्लड है जो कि फिल्टर हो चुका है, उसमें वेस्ट नहीं है, वो ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल जो कि नेफ्रॉन से निकल रही है, इफरेंट आर्ट्रियोल लेकर जाती है. अब सेकेंड जो स्टेप था ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन क्या है? ये जो फिल्ट्रेट जिसमें वेस्ट मटेरियल है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में एंटर हुआ था, ये देन टिब्यूल में पास होता है. टिब्यूल में इस वेस्ट में कुछ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए अभी, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वांटेड है इस वेस्ट मटेरियल में, जैसे कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वो इन टिब्यूल में पास होते हैं, होते होते फर्दर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं. रीअब्सॉर्ब किस में हो जाते हैं? कैपिलरीज में. सो इन कैपिलरी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? जो ये इफरेंट आर्टेरियोल क्लीन ब्लड लेके गई थी, इस क्लीन ब्लड में अभी भी कुछ वेस्ट मटीरियल है, सो ये वेस्ट मटीरियल दोबारा से ट्यूब्यूल में पास हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन. अब हम बात करते हैं फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ब्लड इज फिल्टर्ड बाय पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. सो ये जो ब्लड आया है रीनल आर्टरी के थ्रू, देन एफरेंट आर्टरियोल जो एंटर हुई है नेफ्रॉन में, ये क्या बना रही है? ग्लोमेरुलस. सो ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल यानी बोमन कैप्सूल के बीच में क्या प्रेजेंट है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. सो इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है. ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कैसी दिखती है? सो ये ब्लड कैपिलरीज है यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. इन कैपिलरीज में क्या होती है? कैपिलरी एंडोथीलियम. ये बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब ये बोमन कैप्सूल की हम देख लेते हैं मेम्ब्रेन. बोमन कैप्सूल की जो इनर लाइनिंग है वो किससे बनी है? एपिथीलियम सेल से. ये एपिथीलियम सेल्स कैसे दिखते हैं? इनमें ऐसे फीट होते हैं यानी पेडिकल होते हैं, इसलिए इनको पोडोसाइट्स कहते हैं. ये इनकी शेप आप देख सकते हैं, ये फीट जैसी है, तो इसलिए इनको पोडोसाइट्स कहते हैं. इनके बीच में भी पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्लिट पोर्स. सो दो सेल्स के बीच में पोर्स है यानी ओपनिंग्स है, ऐसे ही कैपिलरी एंडोथीलियम में भी पोर्स है. सो दोनों में क्या है? पोर्स है, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो कैपिलरी एंडोथीलियम और बोमन कैप्सूल के पोडोसाइट दोनों क्या बनाते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो पास नहीं हो सकते और जो स्मॉल मॉलिक्यूल है जैसे कि वाटर, वो इजिली पास हो जाता है अंदर फिल्ट्रेशन में यानी बोमन कैप्सूल में. अब वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल इजिली पास, प्रोटीन कैनॉट पास. जो वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू यानी ग्लोमेरुलस के थ्रू ग्लोमेरुलर कैप्सूल में इजिली पास हो जाएंगे. ये ऐसे एरो दिखाई हुई है, सो ये ग्लोमेरुलस से इधर ये इजिली पास हो रहे हैं. लेकिन जो ब्लड सेल्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो पास नहीं हो सकते क्योंकि उनका साइज क्या है? लार्ज है, तो वो ग्लोमेरुलस के अंदर ही रह जाएंगे प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स. देन फिल्टर फ्लूइड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. अब यहाँ से जो फ्लूइड फिल्टर हो गया है यानी जिसमें यहाँ पर वेस्ट है, इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. सो ये जो वेस्ट वाला है जो कि यूरिन बनेगा आगे, इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. और जो क्लीन ब्लड है यहाँ पर फिल्टर हो चुका है, वो कौन लेके जाएगा? इफरेंट आर्टरियोल. और एफरेंट आर्टरियोल लेके आई है और इफरेंट आर्टरियोल लेके जाएगी क्लीन ब्लड को. ओनली अबाउट 1/5 ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड हियर. ये जो ब्लड आया है इसमें से सिर्फ 1/5 ब्लड जो है फिल्टर होता है. 1/5 ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड हियर. फिल्ट्रेशन टेक प्लेस बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस एंड द प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेट इन द कैप्सूल. अब फिल्ट्रेशन क्यों हुआ है कि इन दोनों, ये जो एक तो ग्लोमेरुलस में क्या है? ब्लड है. सो इन ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है. इन ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है इसका प्रेशर अलग है और ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है इसका प्रेशर अलग है. सो जो ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है उसका प्रेशर कितना है? 60 mmHg.
और जो यहाँ पर फिल्ट्रेट है इसका प्रेशर कितना है 15 mmHg। सो जो प्रेशर इन ग्लोमेरुलस में होता है यानी कि जो ये ब्लड कैपिलरीज है इनमें है इसको कहते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और जो प्रेशर ग्लोमेरुलस कैप्सूल के फिल्ट्रेट में है, फिल्ट्रेट यानी कि जो वेस्ट जो कि ब्लड से निकला है उस प्रेशर को कहते हैं फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सो दोनों में क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। सो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ये जो फिल्ट्रेशन है ये पॉसिबल हो पाती है। अब द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मड बाय बोथ किडनीज ईच मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो दोनों किडनीज जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर करती हैं उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो ईच मिनट द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मड बाय बोथ किडनीज ईच मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो दोनों किडनी जितना ब्लड फिल्टर करती हैं यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या है, जो वेस्ट है जो कि आगे यूरिन बनेगा उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। GFR कितना होता है, 125 ml/min या फिर 180 L/day। सो ये होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है कि जो ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू अंदर नेफ्रोन में आया है सो ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल के थ्रू कैसे जो फिल्ट्रेशन है ब्लड का, ब्लड प्लाज्मा का, वो कैसे होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन नेक्स्ट स्टेप है यानी सेकेंड प्रोसेस है किसका, यूरिन फॉर्मेशन का। ये कैसे होता है, अब ये जो फिल्टर ब्लड है उससे क्या निकला, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल ने रिसीव किया। अब ये जो फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल से ये कहाँ जाएगा, टिब्यूल्स में। सो इस फिल्ट्रेट में अभी भी कुछ ऐसे मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी को नीडेड है। सो वांटेड मटेरियल जो कि हमारी बॉडी को अभी भी चाहिए वो इस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में एब्जॉर्ब हो चुके हैं, लेकिन हमारी बॉडी को अभी भी वो चाहिए, वो एक्सक्रीट आउट नहीं होने चाहिए यूरिन में। सो टिब्यूल से वो वांटेड मटेरियल दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे किसमें, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसकी ब्रांचेस है, एफरेंट आर्ट्रियोल की जो कि इंफीरियर वेना कैवा में आगे जाके मर्ज होंगी। सो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्योंकि टिब्यूल्स को सराउंड किए हुए हैं इसलिए अभी भी टिब्यूल से क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे वॉन्टेड मटीरियल किसमें, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। सो मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन बैक, इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन बैक इंटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। सो बैक इंटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थ्रू द टिब्यूल्स, टिब्यूल्स के थ्रू अकर्स इन पीसीटी। सो सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन है पीसीटी से होता है। सो पीसीटी में क्या है, माइक्रोविलाई है जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल है। सो पीसीटी से सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी कहाँ पर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। सो क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा पीसीटी से, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज। सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज जो कि फिल्ट्रेट में प्रेजेंट थे वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। देन उसके बाद जो फिल्ट्रेट है, अब यहाँ पर फिल्ट्रेट का क्या होगा, क्वांटिटी भी चेंज होती जाएगी प्लस क्वालिटी भी। क्वांटिटी कैसे, फिल्ट्रेट कम होता जाएगा और क्वांटिटी कम होती जाएगी और क्वालिटी कैसे, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। सो अब क्या होगा, 60-70% ऑफ फिल्ट्रेट रीचेज अ मेडुलरी लूप। ये जो मेडुलरी लूप है, लूप ऑफ फैले, कुछ तो जो था वो पीसीटी में एब्जॉर्ब हो गया। अब जो फिल्ट्रेट है 60-70% वो कहाँ पहुंचा है, लूप ऑफ हेल्ले में। अब इस फिल्ट्रेट में क्या है, वाटर, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे वापस, वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड। अब ये जो सब्सटेंसेस है ये कुछ तो पैसिव मूवमेंट के थ्रू और कुछ एक्टिव मूवमेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं लगती। सो वो कौन से सब्सटेंसेस है, जैसे कि वाटर और क्लोराइड। वाटर और क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी की नीड नहीं लगती, वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, सोडियम, इनको ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी की नीड लगती है एटीपी की, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में दोनों प्रोसेसेस होती है, एक्टिव भी और पैसिव भी। जबकि जो फर्स्ट वाला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो पैसिव था क्योंकि प्रेशर की वजह से अपने आप सोल्यूट चेंज हो रहे थे। अब हम पढ़ते हैं थर्ड, 15-20% ऑफ फिल्ट्रेट रीचेस डीसीटी। अब जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है उसमें कितना फिल्ट्रेट गया, 15-20% फिल्ट्रेट। अब 15-20% जो फिल्ट्रेट डीसीटी में गया है, डीसीटी में क्या है, अब मोस्टली चीजें एब्जॉर्ब हो चुकी हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। सो जो यहाँ पर फिल्ट्रेट पहुंचा है डीसीटी में वो एक्चुअल या फिर ओरिजिनल फिल्ट्रेट है जिसमें ज्यादा से ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट है।
अब यहाँ पर भी कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम. सो मोस्टली सोडियम डीसीटी में एब्जॉर्ब होता है. अब ये जो फिल्ट्रेट डीसीटी से कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में. सो कलेक्टिंग डक्ट में फिल्टर एंटर हो गया, यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब होता है, जितना भी वाटर हमारी बॉडी को चाहिए. सो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में वाटर ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाता है. सो इस तरह से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स में होती है. अब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम या फिर रीनल थ्रेशोल्ड हमारी किडनीज की मैक्सिमम कैपेसिटी है फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अ सब्सटेंस. जैसे कि फॉर एग्जांपल लगा लो सोडियम. अब सोडियम तब तक रीअब्जॉर्ब होगा पेरिट्यूबुलर जो हमारी कैपिलरीज है यानी हमारी किडनीज में, तब तक रीअब्जॉर्ब होगा जब तक उसकी कैपेसिटी है, जब तक वहां पर जो कैरियर है वो फिल नहीं हो जाते पूरे. एक बार अगर कैरियर फिल हो गए यानी कि जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई किसी को रीअब्जॉर्ब करने की कोई सब्सटेंस को, तो उसके बाद रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी ये कैपिलरीज. उसके बाद ये जो सब्सटेंस है वो यूरिन में विजिबल होगा, यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और रीनल थ्रेशोल्ड, जो कि हमारी किडनीज की मैक्सिमम कैपेसिटी है फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अ सब्सटेंस. जो थर्ड प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन. ट्यूबुलर सिक्रीशन का क्या मतलब है कि ये जो क्लीन ब्लड है जो ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्ट्रियोल ने रिसीव किया था, अब इफरेंट आर्ट्रियोल किस में मर्ज हुई है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ने इन ट्यूब्यूल्स को सराउंड किया हुआ है. अब इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो ब्लड है इसमें भी कुछ अनवॉन्टेड मटीरियल्स हैं, अनवॉन्टेड मटीरियल जो कि टॉक्सिन्स है, अभी भी हमारी बॉडी को नहीं चाहिए. सो ये अनवॉन्टेड मटीरियल कैपिलरीज में किस में सिक्रीट हो जाएंगे, ट्यूब्यूल से, कैपिलरी से ट्यूब्यूल में चले जाएंगे, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन. सो अब ट्यूबुलर सिक्रीशन सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड, जो सब्सटेंस नहीं चाहिए, एंड फॉरेन मटेरियल जैसे कि ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन एंटायरली फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड, जो कि फिल्टर हो जाएगी ब्लड से बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू ट्यूब्यूल्स. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू किस में चला जाएगा, ट्यूब्यूल्स में अनवॉन्टेड सब्सटेंसेस. सो सबसे पहले देखते हैं पोटेशियम. पोटेशियम जो है पीसीटी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रीट हो जाता है. अमोनिया हमारा पीसीटी में सिक्रीट होता है. जो हाइड्रोजन आयन है वो पीसीटी और डीसीटी दोनों में सिक्रीट होते हैं. हाइड्रोजन आयन का भी सिक्रीट होना जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में एक पीएच मेंटेन करना, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है. देन यूरिया एंड ल्यूकोफेनोल. यूरिया कहाँ पर सिक्रीट होता है, ल्यूकोफेनोल में. अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू.